हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं पास्कल स्लो के बारे में उसको पढ़ने वाले पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक लॉ डिराइव किया है उसको पढ़ते हैं एक अगर बीकर में पास्कल ने ये कहा कि अगर बीकर में मान लो स्टेशनरी फ्लूड भरा हुआ है जो कि ओवरऑल स्टेशनरी है तो उसकी एक पॉइंट में मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट डिस्प्ले किया तो उस पॉइंट में अलग अलग डायरेक्शन से जो प्रेशर पड़ रहा है जैसे यहाँ से P1 वन पड़ रहा है यहाँ से P2 टू पड़ रहा है यहाँ से P3 थ्री पढ़ रहा है यहाँ से मान लो P4 फोर पड़ रहा है तो ये जो सारे प्रेशर जो होगा ना फ्लूड के अंदर जब भी फ्लूड एट रेस्ट है उसे कोई भी एक पॉइंट में अलग अलग डायरेक्शन से आता हुआ की प्रेशर की जो वैल्यूज है वो इक्वल होगी क्या होगी प्रेशर की वैल्यूज जो होगी वो इक्वल होगी पास्कल ने ये कहा है दिस इज इक्वल टू पी फाइव सो प्रेशर इज़ इर ऑफ डायरेक्शन इन केस ऑफ फ्लूड ठीक है तो अगर स्टेटमेंट देखें तो क्या कहता है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ एट रेस्ट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट मतलब ये कह सकते हैं कि यहां पर एक पॉइंट सपोज पॉइंट ए है तो उसकी अलग अलग डायरेक्शन से आता हुआ प्रेशर सेम है अब पास्कल ने ये नहीं कहा यहां पे कंफ्यूज मत होना पास्कल ने ये नहीं कहा है कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट यहां पर भी है जो पॉइंट नंबर सपोज बी है तो बी पे प्रेशर जो होगा वो ए के बराबर होगा ऐसा नहीं कहा है उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि प्रेशर एट पॉइंट ए आपका सौ विल बी प्रेशर सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एट दिस पॉइंट और बी पे मान लो प्रेशर आपका हो सकता है पास्कल बट पंद्रह वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई सेम रहेगी बी पॉइंट पे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेशर एट बी और ए पे इक्वल रहेगा ये कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर तो ये बहुत मेक श्योर sure करना पास्कल ने इतना बताया कोई भी एक पॉइंट पकड़ो पहले और उस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन से प्रेशर आता हुआ जो है वो सारे डायरेक्शन सिमिलर ही होगा वो बताया है तो इसको प्रूव करता है पास्कल ने कह दिया था मान नहीं लेंगे ठीक है हम लोग प्रूव करेंगे तो लेट मी से कि अगर इसमें से कोई एक पॉइंट है फ्लूड का जो कि रेस्ट में है और उस पॉइंट को एक ele, छोटा सा फ्लूड एलिमेंट मैंने वहां पर लिया है जो कि इस शेप में है और देर इज अ रीजन मैंने इस शेप में